गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक देर रात तक चली। बंद कमरे में चली मैराथन बैठक में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, लेकिन जो बातें मीडिया से साझा की गई उसका सार यही है कि कांग्रेस अब पूरी तरह चुनावी मोड पर आ गई है। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पांचों संभाग में कार्यकर्ता सम्मेलन किए हैं, इसके ठीक बाद विधानसभा वार प्रशिक्षण शिविर किए जा रहे हैं और अब 26 जून से कांग्रेस बूथ चलो अभियान में जुटेंगे। इस अभियान में हर बूथ पर यथासंभव शीर्षस्थ नेता पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। चुनाव 2023 चुनाव 2024 को लेकर लगातार रणनीतियां बन रही है। आने वाले दिनों में हम कैसे काम करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, हमारा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चाएं हो रही है। अभी संभागीय सम्मेलन के बाद अभी हर विधानसभा स्तर पर जोन सेक्टर ब्लॉक अध्यक्ष और महत्वपूर्ण नेताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद 26 तारीख से हम लोग बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता आदरणीय सैलजा मैम जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सचिव, सभी हम अलग अलग बूथों में एक बूथों में जाएंगे। हमारी बूथ कमेटियां बनी है, उनकी समीक्षा करेंगे और वहां दिन भर हम लोग वहां बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हमारी बात जनता की बात सुनेंगे। एक वृहद कार्य योजना कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से बना रहे ताकि हम दमदारी के साथ 2023 के चुनाव में लड़ सकें। नहीं देखिए माननीय जो शैलजा मैम जी ने जो पत्र लिखा है उसमें नियुक्तियों के बारे में कहा है, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। नहीं देखिए अभी तो नियुक्तियां हुई है, आगे हम क्या कर सकते हैं उस पर।